तो जी अब हम आ गए हैं डायवर्टेड रूट के पहले हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन, स्टेशन कोड PRYJ। ये मेरा शायद एक हफ्ते में दूसरी बार है जब मैं प्रयागराज जंक्शन आया हूँ, संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज से मैंने बहुत सारी ट्रेन जर्नी कर रखी है, यहाँ से मैंने करी है, यहाँ तक करी है, जैसे कि ऊंचा हरा एक्सप्रेस हो गया, नौचंदी एक्सप्रेस हो गया, दोनों की वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके देख सकते हैं। काफी सपोर्ट दिया आपने उस वीडियो को, उस वीडियो के काफी सारे कंटेंट को काफी प्यार दिया आपने, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो प्रयागराज के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ये इसका ऑफिशियल हॉल्ट है ही नहीं, तो क्या बताएं इस ट्रेन के बारे में, यहाँ पे प्रयागराज कितनी देर रुकती है, क्या रुकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये डाइवर्टेड है इसलिए आई है यहाँ पे। बाकी ट्रेन के बारे में बात करें तो 1423 किलोमीटर दूरी ट्रेन तय करती है अपनी फरक्का एक्सप्रेस, हफ्ते में 3 दिन चलती है, 13414 वाया सुल्तानपुर जाती है नॉर्मल डेज में जब ये डाइवर्टेड नहीं होती है, 33 घंटे 10 मिनट का ट्रेवल टाइम लेती है अपने इस पूरी जर्नी के दौरान और 55 जगह पर रुकती है। बहुत ही स्लो ट्रेन है, 42 किलोमीटर की इसकी एवरेज स्पीड रहती है, सिर्फ 55 हॉल्ट, समझ रहे 55 हॉल्ट है। जब अगर ये डाइवर्टेड नहीं होती ना तो 55 जगह पर रुकते हुए आती, कितना लंबा वीडियो बन जाता। खैर यहाँ पे अपनी ट्रेन का वैसे 10 मिनट का हॉल्ट बताया गया है, खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, प्रयागराज बहुत ही फेमस है, खाने पीने की चीज़ें आपको स्टेशन पर मिल जाएंगी और ई कैटरिंग सुविधा भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरा ट्रेन डाइवर्टेड है इसलिए ई कैटरिंग सुविधा यहाँ पे नहीं है, तो हमने ट्रेन के पेंट्री से ही जो आपने देखा हमने वहाँ से खाना मंगा लिया है। तो हमने कुछ 3 अलग अलग चीज़ें मंगाई हैं, वो आपको देखने को मिलेगा कैसा इस ट्रेन का पेंट्री खाना दोपहर का जो कि बनेगा और 12 बजे के आसपास हमको मिलेगा। तो सीधे मिलते हैं प्रयागराज से डिपार्चर पे। तो जी 10 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। आप देख रहे हैं फल फ्रूट वगैरह आपको स्टेशन पे मिल जाएंगे, स्टेशन पे ही खाने पीने के लिए पूरी सब्जी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है जो कि आप स्टेशन से इजीली कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ट्रेन में खाना नहीं मंगवाया है तो और ना आप लाए हैं तो। और ये सामने गुड्स का ट्रेन करी है खाली, एक बॉगिन वाली, झांसी सर का WDM 3D लगा हुआ है सामने। नेताजी आ रही है 1 नंबर पे, उसके पीछे कानपुर चित्रकूट एक्सप्रेस संबलपुर टाइप पीछे थोड़ा शशांक रुक जा भाई पीछे हो गए, ट्रेन तो आने दे। हाँ जी तो अब हम आ गए हैं डाइवर्टेड रूट के हॉल्ट नंबर 2 मिर्ज़ापुर, स्टेशन कोड MZP। और मिर्ज़ापुर फेमस क्यों है क्योंकि यहाँ पे कालीन और पीतल का बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ पे अपना ट्रेन का हॉल्ट कितना मिनट का हो हमें पता नहीं है क्योंकि डाइवर्टेड रूट है, कितने देर रुकेगी ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन रुकी है तो आपको खाने पीने की चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी, पानी वगैरह, अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी, ये सब यहाँ पे स्टेशन में मिल रहा है जैसा कि आपको पीछे भी दिख रहा होगा। कितने देर रुकेगा ये पता नहीं, लेकिन अपनी ट्रेन ना बहुत ही बिफोर चल रही है क्योंकि इसका जो स्लैग है ना बहुत ही ज़्यादा है सीधे सीधे जाने पे, अगर ये पीछे सुल्तानपुर होते हुए जाती तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता क्योंकि सुबह 5 बजे कानपुर से खुली थी और 4 बजे इसका DDU में टाइम है और अभी तो सिर्फ
12 बजे हैं, अभी भी पूरे 4 घंटे हैं, लेकिन यहाँ से मिर्ज़ापुर से डीडीओ ना बहुत ही पास पड़ता है, लेकिन अभी भी 4 घंटे हैं, तो देखते हैं कितना देर पहले पहुँचती है डीडीओ, कहाँ इसको और रुका जाता है, तो मिलते हैं सीधे डिपार्चर पे। तो फाइनली 15 मिनट रुकने के बाद मीटिंग का डिपार्चर हो रहा है मिर्ज़ापुर से। अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर मिर्ज़ापुर से वीडियो देख रहा है तो आप बताइएगा अपने और मिर्ज़ापुर के बारे में जो मैंने स्किप किया हूँ। तो जी मिर्ज़ापुर से ट्रेन निकल गई है और हमें सर्व किया गया है हमारा लंच, जिसका ऑर्डर हमने पहले दिया था वो अभी सर्व हुआ है, और हमने मंगाई थी 2 फिश थाली, 1 नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज मील ससांग के लिए, और अपन और पाजी खाएंगे नॉन वेज वाली थाली। 130 रुपये की दोनों थाली है और 180 रुपये वाली थाली, लेकिन पाजी रोटियां खाएंगे तो वो रोटियां लेके वापस आ रहे हैं, 5 मिनट बोला है। तो चलिए दिखाते हैं हमें थाली के अंदर क्या क्या सर्व किया गया है, फिश वाली थाली के अंदर और नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज मील वाली थाली के अंदर। तो जी हमने अनबॉक्स कर लिया अपनी 130 वाली फिश की थाली, ये फिश है जिसमें 1 पीस फिश दिया गया है, और ये सूखी आलू की सब्जी है, दाल इसमें भी है, और इधर है शायद नमक है शायद, और हाँ अचार है, और इधर है चावल, और मैंने रोटी नहीं मंगाया तो मेरे को एक अलग से चावल भी मिला है, हालांकि मैंने तो 2-3 रोटियां मिलती हैं। और ये ससांग भाई की 980 वाली थाली, दाल आलू मटर की सब्जी चावल रोटी यहाँ पे भी ये सब किया गया है, और पाजी और मेरी थाली सेम ही है। तो फटाफट इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इस दाल को, सच में भाई दाल में बिल्कुल भी नमक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई, बुला रहा है दाल में नमक डालना ही भूल गए हैं सच में। और ये फिश की करी है, इसमें देख लेते हैं इसमें नमक है कि नहीं भाई, मेन इम्पोर्टेंट है, नहीं इसमें तो नमक है, और ये आलू की सब्जी भी गई है, नमक है बस दाल में छोड़ के, बाकी सब में नमक है, बाकी टेस्ट तो बताएंगे आपको खाने के बाद। तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे आप वीडियो में। तो जी अभी अपनी ट्रेन 1.5 घंटे से जोनाथपुर पे खड़ी है, मतलब डीडीओ के थोड़े से पहले ही खड़ी है, क्योंकि ट्रेन 2 घंटे बिफोर थी, और अभी हमको ओवरटेक करने वाली है सूरत भागलपुर एक्सप्रेस जो कि 5 घंटे लेट चल रही है, तो दिखाते हैं आपको उसका ओवरटेक। तो जी लगभग 1.5 घंटे रुकने के बाद हमारी ट्रेन खुल चुकी है जोनाथपुर से, 2 घंटे बिफोर आने से पहले यहाँ पे इसको रोका गया था, अब इसको शायद डीडीओ ले रहा है अंदर, और यहाँ से हमने लिया है इसके 35 नोवा का ये मिल्क, तो इसको एंजॉय करते हैं, और व्यूज़ तो आप देखिए रोके मस्त मस्त आ रहे हैं। तो जी अभी अपनी ट्रेन बहुत ही प्यारे कर्व के साथ आगे बढ़ रही है, और व्यूज देखिए आप, जो आप लाइन देख रहे हैं गुड्स ट्रेन आपको दिख रही है, ये आपका जा रही है मिर्ज़ापुर वाले रोड हुआ, और इसके पास में जो लाइन चाहिए वो अपना चली जाती है वाराणसी। Thank you.
जी चलिए हम आ चुके हैं चंदौसी डिस्ट्रिक्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है DDU। 311 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 18 ट्रेन यहाँ से बनती है, 18 यहाँ पे समाप्त होती है DDU में। अपनी फरक्का एक्सप्रेस के यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन लगभग आधे घंटे पहले आई है यहाँ पे। हालांकि 2 घंटे पहले से ही आ सकती थी, लेकिन आउटर पे उसको रोका गया क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं थे और उसको आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे लगाया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन आई है यहाँ पे और यहाँ से हम निकल जाएंगे पटना वाली लाइन पे। यहाँ से हालांकि एक लाइन गया को भी जाती है। तो खैर यहाँ पे टाइम है इसका 4:25 का डिपार्चर का, अभी 3:50 हुए हैं, तो मिलते हैं सीधे आपसे डिपार्चर पे। तो जी अगर आप DDU रेलवे स्टेशन आते हैं ना, तो आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, फल फूल वगैरह आपको इजीली प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी, यहाँ पे आप खाना मंगा सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, पिज्ज़ा वगैरह भी आपको यहाँ पे DDU पे मिल जाएगा, इतना फेमस रेलवे स्टेशन है DDU। तो जी अब अपनी फरक्का एक्सप्रेस आ गई अपने नॉर्मल रूट पे, अब इसका डायवर्टेड रूट का यहाँ से खत्म होता है, अभी नॉर्मल रूट पे आ गई है, अब यहाँ से अपने नॉर्मल रूट पे जाएगी। और टाइम देखिए, अभी DDU हो रहा है 4 और इसका पटना का टाइम है रात के 9 बजे। शशांक भाई 5 घंटे DDU से पटना के लिए, ये कोई तरीका है क्या? आप सोचो कौन सा स्टॉप नहीं छोड़ा होगा। 7 किलोमीटर आने में तो 2.5 घंटे ले लिए, अब 200 किलोमीटर में 6 घंटे कौन सी बड़ी बात है? स्टॉप कौन सा नहीं छोड़ा इन्होंने पटना से लेके DDU के बीच में? नहीं छोड़ा है, बियासपुर नहीं, रघुनाथपुर ले लिया उन्होंने, जमनिया ले लिया, बक्सर ले लिया, और ट्रेनों में साइकिलें भी आ गई। तो बस अब हम इसके बाद घुसेंगे बिहार में, तो वेलकम टू बिहार। तो चलिए चैन पुल होने के बाद अपनी ट्रेन दोबारा खुल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, भाग भाग के चढ़ और लोग अभी भी चढ़े जा रहे हैं। चैन पुल होने के बाद एक बार फिर से हम लोग निकलने को तैयार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। तो चलिए अब आ गए हैं अपने इनके 28 हॉल्ट गहमर स्टेशन कोड GMR। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 24 ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ आते ही बारिश भी चालू हो चुकी है। गहमर एशिया का सबसे लार्जेस्ट विलेज है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फौज में भर्ती हुई ना इसी गांव से होती है। और आपको पता था ये बात तो जरूर कमेंट बताइएगा, और कोई गहमर से वीडियो देख रहा है तो बताइएगा और क्या फेमस है गहमर में। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और फरक्का एक्सप्रेस से आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अभी तक फिलहाल अपनी ट्रेन 10-15 मिनट की देरी से चल रही है, वो आगे जाके कवर कर ही लेगी। अब अपना जोन है ECR और डिवीजन है दानापुर। Thank you.
समर से निकल चुकी है और ग्यामर से निकलती, मतलब डीडीयू से निकलती, जो अपने ट्रेन थे ना वो चलता फिर मिनी स्टोर हो ही गया था। चाहे चाय हो, चादर हो, गमछा हो, गमछी हो, केला हो, केला हो, या फिर नारे वाला चड्डी हो, और नहीं नहीं और वो टॉफी के पैकेट्स, टॉफी के पैकेट्स हो, या फिर चना वाला हो, या फिर नारियल वाला हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा अपने सीट पे बैठे बैठे। चलता फिरता बिग बाजार, डीडीयू से पहले स्टेशन में सब कुछ था, डीडीयू से पहले खाली पैंट्री यार में घुसिए, कोई भी ट्रेन हो एक्सप्रेस तेजस राजधानी छोड़ के, क्योंकि उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। नहीं डीडीयू से पहले सही सर्विस थी, डीडीयू से पहले खाली पैंट्री सर्विस थी, सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद स्टेशन का अब पैंट्री वाले दिख ही नहीं रहे, साइड पैंट्री वाले दिख रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से भागलपुर ये मालदा टाउन तक, नहीं नहीं क्यूल तक, नहीं नहीं मालदा टाउन तक, रात में नहीं आएंगे कोई वैसे। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं आपसे बक्सर में। तो जी अब हम आ गए हैं बक्सर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड BXR, 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 142 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 4 ट्रेन यहाँ से बनती है, 4 यहाँ पे स्टॉप होती है, और अपनी ट्रेन आई लगभग 10 मिनट की देरी से, और यहाँ पर रस इतना है ना भाई साहब, और इतना रस बोर हो रहा है ना यहाँ से कि मैं अपनी सीट पे हमारी सब जाम होने वाली है। तो चलते ट्रेन के अंदर, सिग्नल हो चुका है। तो जी अपनी ट्रेन बक्सर से निकल चुकी है, और बक्सर से निकलते ही इस ट्रेन का हाल भाई, जो हाल हमें पूर्वा में चाहिए था ना वो बाजी ने यहाँ पे देख लिया भाई। लोग फ्री में संपूर्ण क्रांति बदनाम करते हैं भाई, मेरे को ना खौफ हो रहा है, सपोर्ट करो इस ट्रेन में तब पता चलेगा। सांस ही नहीं आई गेट पे अटक गए भाई, तू चढ़ तो गए थे ना सही सलामत, चढ़ क्या गए ऐसे लट्टू भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैं उतरने के बाद ऐसे कर रहा भाई मेरे को चढ़ने दे भाई, मेरे को मैं गलती हो गई भाई, मुझे तो बताना पड़ा भाई मेरी सीट है क्या, नीचे नीचे रहे अभी ना, मैंने बोला मेरी सीट है आगे, बोले खड़े रहो यही डूब रहा होता है, मैं कह रहा अगली अगली ट्रेन में आना भाई, अगली पीछे आ रही पैसेंजर, बताओ मैं भाई मेरी सीट है। अरे यार मैं जैसे गेट पे चढ़ूंगा मेरे तो पीछे 20 बंदे आ गए, इसीलिए बिहार की राजधानी को तेजस किया गया ताकि दरवाजे बंद हो जाए, कोई अंदर आ ही ना पाए। तो अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे भीड़ निकल के जान बची रहेगी वहाँ मिल जाएंगे, वरना फिर भाई पटना में मिलेंगे। हाँ नहीं और भीड़ कम होगी तो कहीं भी मिल सकता है, जाना पड़ो मिल सकते हैं, डिपेंड करता है भीड़ पे। तो जी अभी अपनी ट्रेन दानापुर पहुंच चुकी है, आप लोग भी सोचो कि बक्सर के बाद सीधे दानापुर, इसके बीच का क्या चीज गायब गायब नहीं, इसके बीच का हालत सोचो, हम जर्नल में बैठे पड़े हैं, ऐसी हालत है, बस उठने तक की जगह नहीं थी भाई, खाली उठने तक की भी जगह नहीं थी। अभी दानापुर आया है और इसके बाद सीधे पटना आएगा, पटना उतर पाएंगे कि नहीं आएंगे, ये पता नहीं कौन सा आगे पूरा आने वाला कि हम पूरा हो जाएंगे जब तक, अब ये भी पता है पटना उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे या भीड़ और चढ़ेगी, क्योंकि पटना में हमारा कोई सब्सक्राइबर भी आने वाला है या हमारा दोस्त भी आने वाला है, तो उससे खाना भी मंगवाया हमने, वो भी लेना है हमें, तो सीधे मिलते हैं आपसे पटना में। भीड़ बहुत है भाई इस ट्रेन में, भीड़ दिखाओ एक बार, भीड़ क्या दिखाएं भाई, वो बंदे वीडियो और हालत देख के लग ही रहा होगा भीड़ कितनी है। आप उधर के हो ना सर, जिम की तरफ कहाँ से, कहाँ से के हो ना, अच्छा।
तो जी अभी हम पहुंच गए पटना जंक्शन, और पटना जंक्शन पे हमारे लिए सानू भाई हमारा डिनर लेके आए थे, हमने उनको मैसेज कर दिया था और भाई हमारे लिए आए, वो भी रात के 9 बजे। अरे कोई बात नहीं भाई, के लिए तो अगर 12 बजे बुलाते ना तो मैं 12 बजे भी आता। तो भाई मतलब पटना, और वैसे अब हम इनसे वंदे भारत में मिले थे पटना हावड़ा में, लेकिन अब तो भाई जब भी गुजरेंगे सानू भाई को याद कर दिया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और सानू भाई बोलेंगे जब दिल्ली आओ तो हमें याद कर दो, हम तो दिल्ली घुमाएंगे। बिल्कुल, दिल्ली तो आना जाना मतलब मंथ में 3 से 4 बार तो आना जाना लगा ही रहेगा। अब मेरा नंबर मिल गया ना तो दिल्ली भी आना, मेरे को बता देना। बिल्कुल, और पटना हम लोग पहुँचे हैं बिल्कुल 2 मिनट बिफोर, और रास्ता दिखाया आपने, अराइवल बड़ी मुश्किल से खिड़की से ले पाए हम। और भाई साहब क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम से सारा रास्ता इस ट्रेन में, हाँ हाँ, इस ट्रेन में बक्सर से जो रास्ता रहा था वो पूरा रास्ता पटना तक था, अभी भी बहुत खाली हुआ है, अभी यहाँ से खाली हो जाए। हाँ लग तो रहा है, लग रहा है यहाँ से खाली हो जाएगा। पटना 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 119 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 73 और 74, 73 ट्रेन बनती है, 74 यहाँ पे समाप्त होती है। खाने पीने की आइटम तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगी, और ई कैटरिंग भी आपको मिल जाएगी अगर आपने ऑर्डर किया तो, बाकी अपना खाना तो यहाँ से आ ही चुका था। जब भी पटना हो ना तो पटना स्टेशन जस्ट बाहर निकल कर एक नाश्ता की दुकान है, वहाँ पे नाश्ता करना बिल्कुल मत भूलना। भाई हमने किया था पटना हावड़ा वाले में, है ससंग, हमने मंगाया वही था, लेकिन ये बोला कि यार बंद हो गया। हाँ हमने वही मंगाया था, 50 रुपए का मिलता है वहाँ, वहीं से मैं आपके लिए लौंग लत्ता लेके आया हूँ। भाई लौंग लत्ता वहीं से लेके आए हैं भैया। तो भाई मतलब, और पाजी ने भी खाया था नाश्ता, पाजी वो पटना वाला नाश्ता मस्त था, पटना वाला नाश्ता मस्त था ना, हमने खाया था, हमने एक्चुअली हम लोग खाना खा के आए थे, एक ही बिल खाया था भाई, उसी की एक्सपेक्टेशन थी। तो चलिए मिलते हैं सीधे आपसे डिपार्चर पे, सानू भाई से बात बातें कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेन का पूरा 10 मिनट का होल्ड होने वाला है। तो पटना से हमारी ट्रेन निकली और अराइवल हुआ इधर कोलकाता राजधानी का, जो वीक में एक दिन वाया जसीडी मधुपुर चलती है, कोलकाता राजधानी के नाम से, वाकई जो वीक के 6 दिन है चलती है हावड़ा राजधानी के नाम से, यानी कि ये हमारे इंडिया की पहली राजधानी एक्सप्रेस। तो जी पटना से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और सानू भाई हमारे लिए डिनर लेके आए थे पटना से ही, हमने उनसे मंगवाया था, तो उन्होंने हमारे लिए चाट लेके आए थे, और यहाँ की एक मिठाई होती है लौंग लत्ता, है ना पाजी, लौंग लत्ता, हाँ वो मिठाई लेके आए थे और चाट लेके आए थे। तो ये रही यहाँ की पापड़ी चाट, देखने में तो अच्छा लग रहा है, हालांकि बारिश हो रही थी बाहर, थोड़ा पन्नी वगैरह गीला हो गया, लेकिन ठीक ठाक लग रहा है देखने में। खाने में भी ठीक लग रहा है भाजी, है ना, बहुत टेस्टी है ना, खाने में ठीक है ना, टिक्की भी है साथ में पापड़ी भी है, और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है भाई। और हमने अभी मिठाई खोला नहीं है, पहले ये खा लेते हैं फिर उसके बाद मिठाई खोलेंगे। और इधर ससांग भाई अपना खा रहे हैं, तो एक बार थैंक यू बोल दे सानू भाई को, थैंक यू सानू भाई आपने ये सब चलिए थे बारिश में भी लेकर आए, तो मेरे तरफ से भी थैंक यू सानू भाई ये सब लाने के लिए। तो फटाफट इसको फिनिश कर लेता हूँ और आप लोगों से मिलते हैं अगले हॉट। तो जी अपनी ट्रेन पटना साहब से निकल चुकी है और हमने अपना डिनर कर लिया है, जो कि सानू लेके आया था पटना से, बहुत ही मस्त खाना था, बहुत ही अच्छा डिनर था जो कि सानू पटना में लेके आया था। अब अपनी ट्रेन फतुहा जंक्शन आने वाली है, और इस ट्रेन के हाल बताए ना, बक्सर से पटना तक इस ट्रेन का बहुत ही बुरा हाल था, गेट सारे जाम थे, तो हम ज़्यादा कुछ दिखा पाए नहीं। पटना पर थोड़ा खाली हुआ है, लेकिन अभी भी भीड़ है, अभी भी गेट्स जाम है। तो बस हम सीधे मिलते हैं फतुहा जंक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हाँ जी अब हम आ गए हैं बख्तियारपुर जंक्शन, स्टेशन कोड BKP, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 114 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 3 ट्रेन बख्तियारपुर में बनती है और 3 यहाँ पे समाप्त होती है। बारिश देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और पटना के बाद बहुत फ्रीली खोल रहा हूँ क्योंकि गेट बहुत ही जाम थे भाई, अराइवल तो दिखाई नहीं पाए आपको, यहाँ पे गेट्स इतने क्लोज थे कि अराइवल आपको दिखाई नहीं पाए। अगर आपको इस रूट को डिटेल से देखना है तो आपको पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी मिल जाएगी नीचे, या फिर आई बटन पे बहुत ही देख सकते हैं, इस रूट को डिटेल से कवर करके हमने। और बख्तियारपुर से ना आपको राजगीर के लिए ट्रेन मिल जाएगी, नालंदा के लिए मिल जाएगी, बिहार से जाना है उसके लिए ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पर अपनी ट्रेन का फरक्का एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। Yeah.
प्लेटफॉर्म उधर है। तो जी अब हम आ गए हैं बाढ़ रेलवे स्टेशन। चार प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 66 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, कोई ट्रेन आई यहाँ से बनती है। तो बस अब हम जा रहे हैं सोने, आपसे सीधे मिलेंगे क्यूल के आसपास, क्योंकि नींद बहुत जा रही है, सिग्नल भी हो चुका है। तो जी हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, इस फरक्का एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन नहीं, मैं पहुंच चुका हूँ क्यूल जंक्शन, स्टेशन कोड KIUL, और यहाँ पे अपनी ट्रेन आई है लगभग आधे घंटे बिफोर। जी हाँ, और इसका डिपार्चर टाइम है यहाँ से 12:10 का। और मैं ये ट्रेन यहाँ पे डिवोट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सुबह सुबह ही प्लान बनाया था, क्योंकि हम जाते हैं तो इससे भागलपुर तक विक्रमशिला करने, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। अब वहाँ की जर्नी आपको चली जाएगी, हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं मुजफ्फरपुर यहाँ से। और अपनी जो अगली ट्रेन है वो 3 बजे रात की है, अभी हो रहा है रात के 12:02, 8 मिनट बाद ही ट्रेन निकलेगी, हम जाएंगे यहाँ से, देखेंगे यहाँ पे लॉन्च वगैरह है कि नहीं, पहली बार हम क्यूल पे उतरे हैं, वेटिंग रूम ही मिल जाए क्योंकि 3 बजे तक रात गुजारनी है यहाँ पे। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, और हाँ बताइएगा आपको ये कैसे लगी फरक्का एक्सप्रेस की जर्नी। अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, आपके साथ कैसा रहा इस फरक्का एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं आपसे क्यूल जंक्शन के बाहर, वहीं करते हैं अपने ब्लॉग को एंड, बाय बाय। तो जी अपनी फरक्का एक्सप्रेस जा रही है मालदा की ओर, और अपने साफ 12:10 पे यहाँ से डिपार्चर हो गया उसका क्यूल से। आप लोग वीडियो देखने में बताइएगा कभी इसका एंड टू एंड करना है तो, इस बार तो नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने कभी कमेंट करके बताया तो उसका एंड टू एंड भी करेंगे, चाहे वो मालदा से करें, चाहे वो नई दिल्ली से करें या पुरानी दिल्ली से करें, इस गाड़ी का करेंगे एंड टू एंड अगर आप लोगों ने कमेंट में किया तो। तो जी हमें स्टेशन के बाहर जाना था, हम एग्जिट पर ही खड़े हैं, लेकिन यही इसका एग्जिट है, वहां से जाके बाहर चले जाएंगे। स्कैम हो गया, रेलवे ने स्कैम कर दिया, क्रिकेट मैदान है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम बाहर जाएं कहां से।
तो फाइनली हम यही समझते हैं बाहर, हम बाहर आ गए और ट्रेन की साफ सफाई की बात करें ना भाई, बाथरूम तो हम पूरे रास्ते यूज ही नहीं किए मैंने भाई, दो बार बहुत मजबूरी में यूज किया। नहीं भाई, मैं तो एसी में चला गया था और मैंने एक बार यूज किया था, मतलब इतना घटिया बाथरूम भाई साहब, मतलब सफाई कोच के अंदर हुई थी एक बार हमारे सामने, हमारी मजबूरी थी तब, वो हमारी के बाद तब हुई थी सफाई, लेकिन बाथरूम भाई कोई साफ सफाई नहीं, बेस बेसिन पूरा भरा पड़ा, पानी मत पीना इसमें स्लीपर में जाना था, बेस बेसिन पूरा भरा हुआ है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। टॉयलेट जाना है तो एसी में यूज कर लेना, अगर आपके पास अगर गट्स है लड़ने का तो भाई देखो टीटी, मैं तो सुबह सुबह चला गया था भाई ईमानदारी से। बाकी ट्रेन पंचुअल थी, पंचुअल थी ट्रेन, पंचुअल थी, बिफोर थी, रूट डाइवर्ट होने के बाद बिफोर आ जा रही थी, ये पहली बार हमने देखा है, तो बस समझ लो ना पंचुअल थी, डाइवर्टेड रूट, हम सोच रहे थे 5-5 घंटे लेट हो गई भाई, डाइवर्टेड रूट है लेकिन पंचुअल थी भाई, यहाँ पे भी पंचुअल आई थी, बिफोर आई थी। डीडीओ तक तो हम ऐसे आए राजा की तरह और डीडीओ के बाद हम बन गए फकीर भाई, से नहीं बक्सर से लेकर हम बने पटना तक, पटना की हाल था हमारा, बाकी उसके बाद नॉर्मल हो गया था। फिर भाई जैसे ही ट्रेन बिहार में एंटर करी ना भाई, वो जनरल बन गई थी, फरक्का जनरल, फिर पटना के बाद थोड़ी एक्सप्रेस बनी, फिर ठीक ठाक हो गई थी, मतलब इतना था स्लीपर जितना रास्ता, हमें राहत था बक्सर से पहले तक राहत था, उसके बाद पटना के बाद थोड़ा राहत था। रिव्यू ये है कि ट्रेन का खाना अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, अगर आप इसमें ट्रेवल करना पेंट्री का फूड ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ आपको रेट आपको जो हमने बताया ना वीडियो पूरी देखा करो, तभी कहते हैं विक्की भाई की वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है, बाकी शशांक भाई की भी चैनल पे वीडियो आएगी, मेरे पे भी आएगी, मेरे पे तो लेट आएगी, आगे पीछे आएगी हम लोगों के चैनल पे, तो बस अब वीडियो को खाने का रेट आप लोग देख के चलना, बाकी मैं भाई को, भाई के पास वैसे चार्ट है एक लगा देगा आप लोग, ताकि अवेयर रहना, ये यहाँ पे चिपका दिया है, तो बस वीडियो को यहीं पे करते खत्म, हम मैं बाहर जाने का रास्ता, हाँ बाहर नहीं तो फिर कुछ नहीं जाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर साइज का क्यूल का मेन, अगर आप लोग पता हो क्यूल को तो 3 नंबर ही मेन लग रहा है, तो वहीं पे देखते हैं कुछ रिटायरिंग रूम या फिर वेटिंग रूम कुछ मिल जाए, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मैं विक्की गुरप्रीत पा जी शशांक भाई हम सब साइनिंग आउट फ्रॉम, हम सब अलविदा लेते हैं बस यहाँ से क्यूल से, जर्नी होगी भाई कल रात के 9 बजे चले हुए हैं अभी 12 बज रहे हैं, देखे तो 12-15 घंटे की जर्नी है ऑल ओवर, अगर किसी अच्छी ट्रेन से करें हमें हो गए 25 घंटे से ऊपर ही हो गए लगभग, तो चलिए बाय 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 बाय, वरना बात ही बढ़ती रहेंगी और वीडियो लंबा होता रहेगा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रात्रि ढूंढते हैं बाहर जाने का रास्ता।